तुम हो ये बिजड़ का ठीक है। अच्छा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। दोस्तों जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है तब से एक नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और वो है नीतीश कुमार का। दोस्तों सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आ रहे हैं और मीम्स की तो ऐसी बरसात हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार पर ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं जिनको एक बार देखना तो बनता है। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए, देखिए बेटा मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा चाहिए प्लीज। विनो विनो ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। दोस्तों मीम्स डबिंग वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी इस काम में ऐसा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है जिसे एक बार देखना तो बनता है। इनका फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे हमारा मोबाइल हैंग हो गया, एक ही दिन में इतनी कॉल आएंगी तो हैंग हो ही जाएगा। मैसेज का तो रिप्लाई करना चाहिए था इनको। मैसेज का रिप्लाई तो दे देते चीचा, और आपको पता ही है ये फोन क्यों कर रहे हैं आपको, एक बार साफ साफ बता दो ना इनको। अरे अभी रात को सोचूंगा ना, उसके बाद सुबह बता दूंगा। और पूरी रात नींद नहीं आएगी हमको, उसका क्या? हाँ पूरी रात नींद नहीं आएगी उसका क्या? नींद की गोली खा लेना। अरे चाचा, अरे रात में आपने सोते हुए दूसरी तरफ करवट ले ली तो क्या होगा, सुबह इनकी तरफ पीठ होगी तो? अरे क्यों इनका बीपी हाई कर रहे हो? अरे भाई साहब दिन में बिल्कुल नींद नहीं आई हम लोगों को, अब रात को भी नहीं आएगी। रात को भी नहीं आएगी? हाँ अरे एक बार कंफर्म करके बता दो ना इनको। दोस्तों नीतीश कुमार का ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पलटू चाचा कभी भी पलटी मार सकते हैं। कैसे कैसे? बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार वाले नारे को लेकर कॉमेडियन यूट्यूबर भगत राम ने मजाकिया अंदाज में एक प्रतिक्रिया दी है जिसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं मजा आएगा। अब की बार हो गए मोदी जी, 400 पार काहे नहीं हुए? इंसल्ट का बेइज्जती हो गया, ऐसा बेइज्जती हुआ इंसल्ट का ही सब लिब्रांडू जो ही राजेश जैसा जो बताओ हमको जो है, हमको जीत के भी मजा नहीं आ रहे, हम जीत के भी खुश नहीं है और ये सब लोग जो है ये सब हार के भी खुश हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, बहुत बहुत इंसल्ट का बेइज्जती हो रहे हैं, सबसे ज्यादा इंसल्ट का बेइज्जती तो अयोध्या में हुए हैं। अयोध्या में बताओ जहाँ पे इतना बड़का ऐसा बड़का इतना खर्चा कर दिए, इतना प्रोग्राम करवा दिए, जो राम को लाए हैं राम उनको ही भगा दिए। बताओ अयोध्या में हार गए, बताओ कैसा कैसा धर्म विरोधी, कैसा एंटी नेशनल हो रहा है पूरा देश। बात तो सही है। मोदी जी चाहे सरकार बनो मत बनो, आप प्लीज ऐसे मत गिड़गिड़ाओ, हम आपका ऐसा हालत नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते बिल्कुल भी। हम अपने शेर को बकरी बनते हुए नहीं देख सकते, हम ऐसे गिड़गिड़ाते नहीं देख सकते। दोस्तों अमरावती लोकसभा सीट से हारने वाली और ओबीसी को 15 सेकंड की चुनौती देने वाली नवनीत राणा का एक वीडियो मीम्स बनाकर खूब शेयर किया जा रहा है। तो मैंने उस दिन जब बोला पार्लियामेंट में इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ओ मेरे दिल चुप हो जा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद पीएम मोदी भी ये बात कहने को मजबूर हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा